कुछ दिन पहले गुलबर्गा हेडलाइंस पर एक वीडियो के जरिए आप लोगों से तलस्मिया नामी बीमारी से परेशान मासूम बच्चों के इलाज के लिए मदद की गुजारिश की गई थी। ये दो मासूम बच्चे तलस्मिया बीमारी के शिकार हुए हैं, जिनके इलाज के लिए माँ बाप बेहद परेशान थे। इनकी परेशानी को देख ASM मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने बच्चों के मुकम्मल इलाज की जिम्मेदारी ली है। गुलबर्गा हेडलाइन से बात कर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने कहा, आज से माँ बाप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुकम्मल इलाज ASM हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री किया जाएगा। इससे पहले इस घर से एक लड़की की तलस्मिया बीमारी की वजह से मौत भी हुई है और माँ बाप की माशी हालत ख़राब होने की वजह से इन दोनों मासूम के इलाज के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही थी। इन बच्चों के इलाज के लिए आप लोगों से मदद मांगी गई थी और आप तमाम लोगों ने पैसों से काफ़ी मदद भी की है। आपकी मदद के अलावा ASM मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने बच्चों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली है। इस मौके पर बच्चों के माँ बाप ने ASM हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और माली मदद करने वाले अफराद के अलावा गुलबर्गा हेडलाइंस और दीगर मीडिया चैनल्स की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया है। हम लोगों ने हमारे बच्चे की बीमारी के लिए वीडियो जो आप लोगों से शेयर किए थे, जो आप लोगों को बताए थे, तो आप लोगों ने भी हमारी अच्छे से यानी पैसे से हर चीज़ से मदद किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर उसके बाद में हमारा वीडियो जो अपलोड हुआ था, तो इधर से ASM हॉस्पिटल के जो मेन जो इधर पे जो डॉक्टर है, इन्होंने हमारे को सामने से फ़ोन करके हमें बुलाए और हमारे को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारे बच्चों को हर चीज़ फ्री, हर चीज़ टेस्ट हो या कोई भी चीज़ है, मेडिसिन हो, ये सब हमको फ्री दे रहे हैं और ट्रीटमेंट सब फ्री दे रहे हैं। हमारे से कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं और उन्होंने हमारे बच्चों को अपना बच्चा समझ के हम लोगों के ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर एक एहसान किए हैं। इनका एहसान हम ज़िंदगी पर नहीं भूल सकते। और बाहर से भी जो जो हमारे से मदद, पैसे से मदद जो हमारे करे हैं और हमारे अकाउंट में जो पैसे डाले हैं, उनसे भी मैं बहुत बहुत उनका एहसान मानता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए और आगे मुझे पैसों की नहीं दुआ की ज़रूरत है और इंशाल्लाह आप सब मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। हम लोग जो वीडियो डाले थे ने वसीम भाई है ना, हमारी बहुत हेल्प करे, हमारे बच्चों को हर बात से मदद मिली। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब भी है ना, हम लोग हमारी मदद करें, तो सब लोग मिलकर हमारी हेल्प करें, मीडिया वाले भी हेल्प करें, हॉस्पिटल वाले भी हेल्प करें। हमारे बच्चों का ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ। ASM हॉस्पिटल में है ना, हर चीज़ हमारे बच्चों का फ्री हो रहा है हर बात से। कुछ दिन पहले गुलबर्गा हेडलाइंस और गुलबर्गा शहर के दीगर मीडिया चैनल्स पर एक वीडियो अपलोड किया गया था। ये हमारे साथ साजिद भाई हैं, इनके जो दो बच्चों को तलस्मिया बीमारी की वजह से बेहद परेशान थे, इनके लिए मदद की हम लोगों ने गुजारिश की थी आप लोगों से। उस वीडियो को देखकर ASM मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हमसे रابطہ किया और इनके ताल्लुक से तमाम डिटेल हासिल कर इनकी पूरी फैमिली को यहाँ पर बुलाकर बात की और उनके बच्चे के हालात देखे, रिपोर्ट्स चेक कर इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने इनके बच्चों के पूरे इलाज की जिम्मेदारी ली है। ये बहुत खुशी की बात है। ASM मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हमसे ये वादा किया है कि आखिर तक, जब तक इनके बच्चों को इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, ASM मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट इनकी ज़िम्मेदारी लेंगे इनके बच्चों के इलाज की। और साथ ही साथ जितने भी टेस्ट करवाना होगा इनके बच्चों के लिए, वो भी फ्री की जाएंगे और मेडिकल में जितनी भी मेडिसिन इनको ज़रूरत पड़ेंगे और इंजेक्शन की जितनी इनको ज़रूरत पड़ेगी, तमाम चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इनको दी जा रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है और मैं इसके लिए ASM मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ इसके अलावा, जब इनके बच्चों को जो रेगुलर ब्लड चलाने की जो ज़रूरत पड़ रही है इनके बच्चे को, हमने लाइफ केयर ब्लड बैंक से बात की। अब तक ये 1800 रुपये, एक वक्त के 1800 रुपये देकर ब्लड लेकर आ रहे थे, तो हमने लाइफ केयर ब्लड बैंक के मकसूद भाई से बात की, तो उन्होंने भी हमको सपोर्ट करने का भरोसा दिलाया है। जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है, एक वक्त के सिर्फ 500 रुपये उनको देना होगा, वहाँ से 500 रुपये में ये रेगुलर वहाँ से ब्लड ले सकते हैं।
तो ये बहुत बड़ी इनको मदद मिली है, बहुत बड़ा सपोर्ट इनको मिला है। अब तक ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराए थे, जब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको इनके बच्चों की सेहत उतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही थी। इसी तलस्मिया बीमारी की वजह से इनकी एक लड़की की भी मौत हुई है, इंतकाल हुआ है सही इलाज ना मिलने की वजह से। तो अभी देखते हैं ASM हॉस्पिटल में जिस तरह से इनके बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये पर इनके बच्चे की काफ़ी बेहतर हालात है अभी यहाँ पे। तो इनकी तरफ से मैं ASM हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसी के साथ साथ गुलबर्गा हेडलाइंस के अलावा गुलबर्गा शहर के दीगर मीडिया चैनल्स ने भी इस वीडियो को अपलोड किया था, तमाम लोगों का भी इस मौके पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन्हें सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ लाइफ केयर ब्लड बैंक वालों का भी मैं तहे दिल से इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हम सब की जिम्मेदारी होती है जब भी इस वैसे जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ी देखिए मेडिकल एक ऐसी नीड है लोगों के लिए, जब भी किसी के घर में ऐसी मुसीबत आती है, उनकी माली हालात जब उनकी कमज़ोर होती है तो बहुत परेशान होते हैं ऐसे लोग। अगर किसी को भी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमसे रابطہ कर सकते हैं, हमसे जितनी भी कोशिश होगी हम उनकी मदद करेंगे। और ASM और दीगर ऐसे जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनके मैनेजमेंट वाले भी को भी चाहिए ASM की तरह वो लोग भी जो है ना ऐसे मजबूर लोगों की मदद करें। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारा वीडियो देखकर इनकी मदद करे हैं बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोगों ने इनकी मदद की, माली मदद काफ़ी लोगों ने की, इनके अकाउंट के ज़रिए इनको पैसा दिया, इन तक पहुँचाया, कुछ लोगों ने इनके मिलकर भी इनकी मदद की। अब यहाँ से ASM मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोग इनकी आगे जितना भी इनके इलाज की ज़रूरत होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए तैयार हैं, यहाँ से इनको पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। आगे अगर कोई और इस तरह से मजबूर लोग हमको मिलते हैं तो हम वो भी वीडियो उनके लिए भी अपलोड करेंगे, आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं। अब यहाँ से साजिद भाई को और इनके बच्चों को पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि ASM मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने पूरी यहाँ से आखिर तक इनकी जिम्मेदारी ली है इलाज के लिए। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम है, मैं पीडियाट्रिशियन और यूनिटोलॉजिस्ट हूँ ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। कुछ दिनों पहले हमने एक सोशल मीडिया पे गुलबर्गा हेडलाइंस चैनल पे देखा था, एक पेशेंट के रिलेटेड स्टोरी शेयर की गई थी। पेशेंट शहबाज़ अहमद जो कि एक थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है, स्टोरी में बताया गया था कि कुछ दिनों पहले इस पेशेंट की छोटी सिस्टर का भी इंतकाल हुआ है इसी डिज़ीज़ की वजह से, और एक और भाई भी यही बीमारी से सफ़र कर रहा है। और ये भी पता चला था कि ये लोग फाइनेंशियली अफोर्डेबल नहीं है और ये लोग गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इलाज का ख़र्चा वगैरह संभाल नहीं सकते। जब ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को इस न्यूज़ का पता चला, सो ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और डॉक्टर्स ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए एक फ़ैसला लिया है कि शहबाज़ अहमद पेशेंट का जो है ना जो भी फर्दर ट्रीटमेंट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एट ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे किया जाएगा, जिसमें हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या कुछ उसको कोई सर्जिकल प्रोसीजर लगे, जो भी उसको फर्दर ट्रीटमेंट लगेगा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के तरफ से उसका इलाज किया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये इलाज कितने दिन चलेगा, क्या ये डिसीज़ क्यों होती है, और ये इलाज अब आप जब इसका इंतज़ाम आप पूरा कर रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ये बच्चों का इलाज हो रहा है, तो कब तक ये इलाज चलेगा, क्या ऑपरेशन की इसको ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह से आप लोग हैंडल कर रहे हैं? जी देखिए, ये थैलेसीमिया जो है ना एक बीमारी है ब्लड की, जिसमें क्या होता है हमारे ब्लड में लाल खून होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। ये थैलेसीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है ना सही से नहीं बनता पेशेंट्स का, जिसकी वजह से जो है ना पेशेंट्स के खून में जो है ना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती और ब्लड में पेशेंट की बॉडी में ब्लड भी कम हो जाता, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट जो है ना वीक होना चालू होता, उसको हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती। ये जेनेटिक बीमारी है, ये जो है ना माँ बाप से जो है ना बच्चों को आती है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव बोलते हैं हमारी भाषा में। ये बीमारी जो है ना अगर सपोज़ माँ बाप अगर कैरियर हैं जीन के तो 25% चांस रहता है कि बच्चे को बीमारी आएगी और 25% बच्चे नॉर्मल रहेंगे, 50% जो बच्चे होंगे वो कैरियर्स रहेंगे, फ्यूचर में उनके बच्चों को भी बीमारी आने का रिस्क रहता। और ये जो बीमारी का इसका कोई डेफिनेटिव इलाज तो नहीं है, उसका जो है ना जैसे ही ब्लड कम होता है पेशेंट का हम मंथली उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, साथ ही साथ जो है ना बच्चे के वाइटल पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं, जैसा कि सीरम आयरन लेवल्स है, उसके लीवर फंक्शन टेस्ट है, उसका MRI करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली, क्योंकि हम जब रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं उसकी वजह से आयरन ओवरलोड होता है, आयरन ओवरलोड की वजह से उसको
असर होता है उसके लीवर पे, उसके हार्ट पे, दूसरे ऑर्गन्स पे भी असर होता है उस पर। उसका परमानेंट इलाज तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल थेरेपी है, जो कि सिर्फ हायर सेंटर्स पे होता है। उसके बाद भी वी कैन नॉट से इट इज़ अ डेफिनेटिव, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट दे से इट इज़ डेफिनेटिव। और सर्जिकल प्रोसीजर तो एज सच ये बच्चों को कोई नहीं लगता, बट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं स्प्लीनेक्टोमी, जिसमें बच्चों का स्प्लीन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं ये जो स्प्लीन में ही डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, जिसकी वजह से स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर स्प्लीन का साइज़ इतना बढ़ गया जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही या बच्चे को दूसरे इसमें दिक्कत हो रही, तब वो स्प्लीन निकालना पड़ सकता। स्प्लीनेक्टोमी जो है ना एक ऑपरेशन रहता है। अभी इस केस में जो है ना स्प्लीन का साइज़ मैसिव है, मैसिव स्प्लीनोमेगैली है, तो वी आर प्लानिंग फॉर स्प्लीनेक्टोमी बट नॉट इमीडिएटली। अभी राइट नाउ ये बच्चे को जो है ना एनीमिया की वजह से, जो खून कम होने की वजह से दिल पे भी असर पड़ चुका है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, अभी हम उसका इलाज कर रहे हैं। छाती में भी पानी भर लिया इसकी वजह से, उसका भी हम इलाज कर रहे हैं। अभी बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबलाइज हो रहा, जैसा बच्चा स्टेबलाइज होता वी आर प्लानिंग टू टेक अ पीडियाट्रिक सर्जन ओपिनियन टुमारो। पीडियाट्रिक सर्जन से डिस्कस करके वो स्प्लीनेक्टोमी सर्जरी जो है ना उसको करने से पहले थोड़े एहतियात रहते, बच्चे को वैक्सीन वगैरह देना रहता ताकि स्प्लीन निकालने के बाद उसको इन्फेक्शन ना हो। तो हम पीडियाट्रिक सर्जन से डिस्कस करके वो वैक्सीन वगैरह का प्लान कर रहे हैं। उसके बाद एक महीना या दो महीने के बाद जब बच्चा टोटली स्टेबल होता उसके बाद हम स्प्लीनेक्टोमी का प्लान करेंगे। अभी क्या लगता है आपको उसका, जब हम वीडियो हम उनका बना रहे थे, पेट भी काफ़ी वजन हुआ है बच्चों का जी, तो लोग उस वीडियो को देखकर काफ़ी सवाल भी कर रहे थे कि बीमारी ऐसी है कैसा कि मतलब उनके बच्चे को भी हुआ, माँ बाप को देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा कि माँ बाप को डिसीज होगा जी, तो उनकी लड़की को भी या फिर दोनों लड़कों को भी हुआ इस तरह से डिसीज, क्या आज उनके खानदान में भी ये डिसीज फैल सकता है, किन किन तक ये डिसीज फैलने के चांसेस ज़्यादा जी? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ये जेनेटिक बीमारी है जो माँ बाप से ही आती है बच्चे को। तो माँ बाप इसमें तीन तरह के रहते हैं, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर और इंटरमीडिएट। थैलेसीमिया माइनर को हम थैलेसीमिया ट्रेट भी बोलते हैं। ये लोग क्या रहते हैं, ये लोग जीन कैरी करते हैं, एक डिफेक्टिव जीन कैरी करते हैं। अगर वो डिफेक्टिव जीन माँ और बाप दोनों में रहा तो बच्चे को आने के रिस्क रहता, बट ये लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। ये जो ट्रेट जिसके पास थैलेसीमिया एबनॉर्मल जीन रहता वो लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते, ऐसे सोसाइटी में ऐसे नॉर्मल ही रहते, उन्होंने नॉर्मल लाइफ बिताते बट उनको कभी सिम्टम्स वगैरह नहीं दिखते। बट ये बीमारी जब दो माँ बाप के पास दोनों के पास डिफेक्टिव जीन रहेगा तो डेफिनेटली बच्चे को बीमारी आने का चांसेस रहता, वही सिर्फ 25% चांस रहता, हर बच्चे को नहीं आएगा। उनके सपोज उनके चार बच्चे हैं तो सिर्फ एक को आएगा थैलेसीमिया मेजर, एक नॉर्मल रहेगा और दो कैरियर बनेंगे उस जीन के। अभी फिलहाल हॉस्पिटल तो बड़ी जिम्मेदारी इनके केस में निभा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो इलाज हो रहा है, ये पहली बार आप लोग इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं या इससे पहले भी किसी का आप लोग ट्रीटमेंट जी? देखिए एएसएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पहले से भी ये रहा है कि हम जो है ना सोशल कॉज में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इससे पहले भी हम बहुत से पेशेंट्स को ऐसे हेल्प कर चुके हैं, नॉट जस्ट थैलेसीमिया, दूसरे बीमारियों के भी जो पेशेंट्स हैं फाइनेंशियली अफोर्डेबल नहीं रहते, हम मैक्सिमम जो है ना पेशेंट को जो है ना फ्री में करने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये केस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एएसएम हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने ले ली है। ये बच्चे को जो भी फर्दर ट्रीटमेंट लगेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स लगेंगे, जो भी मेडिसिन लगेंगे, हॉस्पिटल की तरफ से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उसको स्प्लीनेक्टोमी की ज़रूरत भी पड़ रही है तो वो भी ऑपरेशन भी हम हॉस्पिटल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। फ्यूचर में अगर उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत लग रही है तो थ्रू एनी एनजीओ और थ्रू एनी गवर्नमेंट स्कीम हम हॉस्पिटल की तरफ से उसकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।